मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा आज रोजगार दिवस है, महीने में एक दिन रोजगार का कार्यक्रम भाजपा की सरकार करती है, रोजगार के लिए हम सभी प्रयत्न कर रहे हैं। नवंबर में लगभग 40,000 शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, साल भर में 1,00,000 लोगों को शासकीय नौकरी मिल जाएगी। इसके साथ ही 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार दिवस के मौके पर कहा नवंबर में लगभग 40,000 शासकीय नौकरियों के विज्ञापन निकलेंगे। उन्होंने कहा केवल सरकारी नौकरी में सभी को रोजगार नहीं मिल सकता, इसके लिए हमने तय किया है कि स्वरोजगार की जितनी भी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत हर महीने नौजवानों को स्वरोजगार उपलब्ध कराएं। लगभग 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह की सब्सिडी का लाभ हम देंगे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आ रहे निवेश के कारण कारखानों में रोजगार मिल रहा है। आज रोजगार दिवस है, महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, एक शासकीय नौकरियों में रोजगार, तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, साल भर में 1,00,000 तक ये संख्या पहुंचेगी। लेकिन केवल शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्वरोजगार की जितनी योजनाएं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजना, उनके तहत हर महीने हम नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज पीथमपुर से रोजगार दिवस का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, लगभग 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह की सब्सिडी जो हमने अलग अलग योजनाओं में दी है उसका लाभ मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसके कारण भी भर्तियां होती है, चाहे वो कारखानों में हो या अन्य संस्थानों में, तो उस कार्यक्रम को भी हमने साथ में जोड़ा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।